आरएनडी गुरु अकेडमी हमीरपुर के छात्रा एंजल लखनपाल ने सीबीएसई जमा दो आर्ट्स में 96.4% अंक लेकर हिमाचल में मेरिट में स्थान पाया है। आर्यन द गुरु अकेडमी हमीरपुर में इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल बना हुआ है। एंजल की परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल करने पर आर्यन द गुरु अकेडमी के प्रबंधक निदेशक ने भी बधाई दी। आर्यन द गुरु अकेडमी हमीरपुर की छात्रा एंजल लखनपाल ने सीबीएसई जमा दो आर्ट्स में 96.4% अंक प्राप्त करके हिमाचल में मेरिट में स्थान पाया है। आर्यन द गुरु अकेडमी हमीरपुर में इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल बना हुआ है। एंजल की परीक्षा में अव्वल स्थान हासिल करने पर आर्यन द गुरु अकेडमी के प्रबंधक निदेशक ने भी बधाई दी है। आर्यन संस्थान की छात्र एंजल ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। बीएससी आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ में हिमाचल में सेकंड पोजीशन है और मैंने 96.4% स्कोर किया है। स्टडी किया है फ्रॉम लास्ट टू इयर्स। उससे पहले मैं हिम अकेडमी से विकास नगर में पढ़ती थी और मेरा नाम एंजल लखनपाल है। मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को अलाउ किया आर्ट्स रखने के लिए, क्योंकि हिमाचल में आई थिंक बहुत कम बच्चे हैं जो आर्ट्स रख पाते हैं और यहाँ पे आर्ट्स का ऐसा समझा जाता है कि ये इन्फीरियर सब्जेक्ट्स हैं और जो बच्चे मतलब पढ़ाई नहीं करते वो ये सब्जेक्ट्स रखते हैं। इसलिए मेरी मदर और मेरे फादर उन्होंने मेरे को अलाउ किया कि तू आर्ट्स रख। इवन मेरे रिलेटिव्स ने मना किया कि तू आर्ट्स मत रख, साइंस रख। तो तेरा 10th में 10 CGPA था, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि नहीं तू आर्ट्स में अपना बेस्ट दे। और उसके बाद जाता है मेरे स्कूल टीचर्स एंड आदि सर जो मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। इवन मेरे पॉलिटी और हिस्ट्री के जो डाउट्स वगैरह थे उन्हें क्लियर करते थे। और आदि सर ने मुझे इकोनॉमिक्स के पेपर में और पॉलिटी और हिस्ट्री इवन सारे तीनों मेजर सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्प की। सबके मतलब सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए, नोट्स प्रोवाइड किए, सारी मेरी जो इंटरव्यूज़ वगैरह हुए स्कूल में, जो वाइवा वगैरह हुए उसके भी पहले सर जो है वो प्रैक्टिस मॉडल वाइवा लेते थे और फिर मतलब मुझे बताते थे कि क्या क्या गलतियाँ और क्या क्या चीज़ मेरे को इम्प्रूव करनी है। और इवन प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह सर ने बनवाई डेली। तो स्कूल आर्ट्स में तो मैं ऐसे पढ़ती थी कि जो स्कूल में पढ़ा वो घर आके रिवाइज कर लिया और होमवर्क कंप्लीट किया और बस रिलैक्स होकर सो गए। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स में थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी कि अच्छा स्कोर करना है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैं 8 to 10 hours स्टडी की और इंस्टीट्यूट में भी मैं इवन 2 to 3 hours रहती थी। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है इसलिए यहाँ पढ़ना बहुत ईजी होता था, कंसंट्रेशन से पढ़ पाते थे इधर। और इवन छुट्टी वाले दिन भी सर जो है वो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते थे ताकि मैं अच्छी तरह सीख पाऊँ और अच्छी तरह पढ़ पाऊँ। आर्यन द गुरु के प्रबंधक बाईपी नंदा ने बताया कि उनकी अकेडमी ने एक साल की छोटी सी अवधि में कई सफलताएं हासिल की हैं, जहां अकेडमी के छात्र विकास टोगरा ने सीडीएस वो दिव्यांग पुरी ने जहां अकेडमी के छात्र विकास टोगरा ने सीडीएस वो दिव्यांग पुरी ने सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो महक पुरी ने 10वीं में बोर्ड परीक्षा में गणित में से 100% व साइंस में 99% अंक हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि एंजल की उपलब्धि पर भी पूरे संस्थान में खुशी का माहौल है और संस्थान की मेहनत रंग लाई है। मेरा सबसे पहला तो यही कहना है कि जितने ही बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं हिमाचल में सिटी में, वो एक कमिटमेंट के साथ अपनी तैयारी रखें। अगर हम कमिटमेंट रखेंगे और इंस्टीट्यूट की तरफ से कोऑपरेशन होगा तो हम देखते हैं कि रिजल्ट हमें मिलेगा और एंजल ने वही करके दिखाया। और कुछ नहीं सर, बच्चों को कोई बाकी मेरा बच्चों को यही मैसेज है सिटी में कि हम कोऑपरेशन के लिए फुल रेडी हैं आपके साथ। जो आपके ड्रीम्स हैं, चाहे वो आईएएस के लिए हों, चाहे वो एचएएस के लिए हों, चाहे वो सीडीएस के लिए हों, चाहे वो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जेई नीट के लिए, तो हम फुल कोऑपरेशन के साथ आपकी मदद करेंगे यहाँ पर और एक रिजल्ट लेकर आएंगे।